मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आप इस मंत्र को अक्सर सुनते रहते हैं, हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं यह मंत्र। शादी विवाह पूजा पाठ इत्यादि की ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई थी, इसके लिए हम लोग हमेशा से ऋणी रहेंगे वैदिक युग का, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में विस्तार पूर्वक स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए एक रिकैप ले लेते हैं, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पाषाण काल को देख लिया है, जो कि 28 लाख से लेकर के 3300 BC तक चला था। उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को, जो कि 3300 BC से स्टार्ट होकर के 1300 BC तक चला था, लेकिन मैच्योर पीरियड इसका था 2700 BC से लेकर के 1750 BC तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पहले क्या होता था, पशुपालन होता था, खेती करते थे लोग, खाना पका के खाते थे, गांव में रहना हो गया था, अस्थाई निवास हो गया था। और हड़प्पा सभ्यता में देखे थे हम लोग की शहरीकरण था, जहाँ पर नगर दुर्ग निचला नगर और व्यापार की व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो शहरीकरण से ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन हो गया। हड़प्पा संस्कृति के अंत के साथ ही शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो अवरुद्ध हो गई। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंत के साथ ही लोग शहरों को छोड़कर दक्षिण और पूर्व के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसने लग गए थे। लेकिन उसी समय के आसपास एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे हम लोग आर्यों के आगमन के रूप में जानते थे। ये आर्य कौन थे, आइए देखते हैं। आर्य में ये 5 सिद्धांत है जिसकी चर्चा आपको हर जगह मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्य भारतीय मूल के ही थे, यानी भारत के ही ओरिजिनल निवासी थे और सप्त सिंधु जो 7 नदियां थी वहां पर रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि आर्कटिक रीजन के रहने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये यूरोप के रहने वाले थे, कई विद्वान मानते हैं कि ये तिब्बती मूल के थे और कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। तो जो इंडियन ओरिजिन मानने वाले में से हैं वो उनके कुछ नाम मैं बता रहा हूं आपको, DS त्रिवेदी, DS काला, पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री, डॉक्टर AC दास। इन लोगों ने माना कि ये लोग भारतीय मूल थे, कहीं विदेश से नहीं आए थे, 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था वहीं के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक ये मानते थे कि ये आर्कटिक क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी एक किताब है एंसेंट होम ऑफ द वेदास, इसमें उन्होंने चर्चा किया है ये जो आर्यन है ये आर्कटिक क्षेत्र के रहने वाले थे। जो जर्मनी के विद्वान है वो कहते हैं कि जर्मनी के रहने वाले थे। जो हंगरी के विद्वान है वो कहते हैं कि हंगरी के रहने वाले थे। जैसे डॉक्टर P. Giles और प्रोफेसर मैकडोनल्ड ने कहा है कि जो आर्यन थे ये एक्चुअली ऑस्ट्रिया हंगरी और बोहेमिया के रहने वाले थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये साइबेरिया के रहने वाले थे। डॉक्टर B. K. Ghosh ने माना कि इनका जो ओरिजिन है आर्यों का ये दक्षिणी रसिया के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की रचना की थी, उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, सारगाइटर नाम का एक स्कॉलर था जिनकी एक किताब है एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इन्होंने माना कि तिब्बत के रहने वाले थे आर्य और तिब्बत से ही बाद में भारत में आए थे। लेकिन जो सबसे मान्य और प्रचलित सिद्धांत है वो है सेंट्रल एशियन ओरिजिन का, यानी मध्य एशियाई मूल का। इसे एक मैप से समझते हैं हम लोग। मध्य एशियाई मूल के लिए क्रेडिट दिया जाता है मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने इस तरह से बताया है कि जो आर्यन थे एक्चुअली में यहाँ के रहने वाले थे, ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, कैस्पियन सागर और अरल सागर के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया, कंपेरेटिव स्टडी किया बहुत सारे भाषाओं का, आर्यन ग्रीक पर्शियन रोमन जर्मन जो क्षेत्र थे उसकी भाषा को स्टडी किया और माना कि ये सभी की भाषा में बहुत सारे कॉमन चीज मिलते हैं, जिसको हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। तो इनका कहना था यहाँ से आकर के ये ईरान की तरफ चले गए और ईरान से फिर ये माइग्रेट होकर के भारत आए और यहीं से कुछ लोग इस डायरेक्शन में जाते हुए यूरोप चले गए। अच्छा, हमें पता कैसे चला आर्यन के बारे में, तो हमें पता चलता है वैदिक साहित्य से। तो वैदिक साहित्य को मुख्यतः इस तरह से हम बांट सकते हैं, वेद है 4 वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं 6, उपनिषद हैं शुरू के उपनिषद 13 हैं और कुल उपनिषद 108 हैं। तो इसके बारे में साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है और इन स्रोतों में वेद का बहुत महत्व है।
वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ऋग्वेद में क्या है? ये भजनों का संग्रह है, सूक्त है, ये जो सूक्त है 1028 सूक्त है और इसमें 10600 श्लोक है। और ये इंडो यूरोपियन भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक है। ये इंडो यूरोपियन भाषा क्या है, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको। तो इसका जो सूक्त है, सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, मतलब बहुत अच्छा कहा गया। तो वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, जिसको सूक्ति कहते हैं, को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये अभी के संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। भाषा की बात निकली है तो चलिए भाषा परिवार को देखते हैं, तब हमको ये समझ में आएगा कि ये इंडो यूरोपियन भाषा क्या है। तो भाषा परिवार को हम लोग कुल चार भागों में बांट सकते हैं, खास करके जो भारत में भाषाएं बोली जाती है उसके हिसाब से। सबसे पहला है इंडो यूरोपियन परिवार, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरा है तिब्बतो बर्मन परिवार, यानी तिब्बतो बर्मन फैमिली। तीसरा है द्रविड़ियन फैमिली, उसके बाद है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद हम लोग इंडो यूरोपियन परिवार को समझेंगे। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है, इसमें झारखंड के आदिवासी जो लोग बोलते हैं और सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी जो भाषा होती है वो आ जाती है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की। द्रविड़ में तो चार ही भाषा है जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तिब्बतो बर्मन फैमिली में उत्तर पूर्व भारत की जो भाषाएं होती है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है, वो वाली भाषाएं आती है। और सबसे फेमस है इंडो यूरोपियन परिवार, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं। तो कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती है? संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि ये भाषाएं आ जाती है। यानी भारत की भी भाषाएं और यूरोप की भाषाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कई शब्द ऐसे हैं जो कि कॉमन जैसे लगते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, संस्कृत में माँ को मातृ कहते हैं, उसके बाद हिंदी में चले जाइए तो माँ कहते हैं, अंग्रेजी में चले जाइए तो मदर कहते हैं, फ्रेंच में चले जाइए तो मैं कहते हैं, जर्मन में चले जाइए तो मटा कहते हैं, ग्रीक में चले जाइए तो मितेरा कहते हैं, इतालवी में चले जाइए तो वहाँ कहते हैं माद्रे और स्पेनिश में ला माद्रे। तो ये देखिए एम ए यहाँ भी है, एम शब्द यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये शब्द कॉमन है। तो इसी आधार पर जो मैक्स मुलर है, इन्होंने कहा था कि आर्यन को सेंट्रल एशिया का वासी बताया था, जहाँ से कुछ लोग इंडिया चले आए और कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए। यानी दोनों की जो सांस्कृतिक विरासत है वो साझी है। अब ये जो आर्य थे, इनका प्रारंभिक घर क्या था, क्या पहचान था? तो ये लोग चरवाहे थे, यानी खेती बाड़ी नहीं करते थे ये लोग, और जानवर पाले थे इन्होंने, उसमें से घोड़ा एक महत्वपूर्ण जानवर था। और इनकी जो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो मध्य एशिया से पश्चिम एशिया की तरफ चले आए, और उसके बाद फिर भारत की ओर लगभग 2000 BC के आसपास इन्होंने यात्रा शुरू की, और पहला पड़ाव भारत की यात्रा के दौरान ईरान से हुआ था। तो भारत आने से पहले लोग ईरान आए थे। और सप्त सिंधु की जो चर्चा मैंने की थी, उसमें कौन कौन सी नदियां आती है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पांच नदियां हैं जो कि पंजाब की है, फिर सिंधु पाकिस्तान में है और सरस्वती, ये सात नदियां सप्त सिंधु, और यहीं पर आकर के ये लोग बस गए थे। प्रथम जो दस्ता था आर्यन का, इन्होंने 1500 BC के लगभग आक्रमण कर दिया। अब ये आक्रमण भाई किस पे किया और क्यों किया? अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो पहले से रह रहे होंगे, यदि बाहर का आदमी वहां पर चला आएगा तो संघर्ष तो होगा ना। तो ये संघर्ष हुआ था आर्यों के बीच में और आदिवासी समूह के जो लोग यहाँ पे रहते थे उसके बीच में संघर्ष हुआ था। और भारत के मूल निवासी कौन कौन थे? दास और दस्यु के नाम से बुलाते थे ये लोग, आर्य लोग इन लोगों को। दास को आर्यन की तरफ से कभी भी आक्रमण के लिए उत्तेजित नहीं किया गया, मतलब आर्यन की तरफ से ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसको मारो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, दस्यु हत्या या ऋग्वेद में कई बार इसका उल्लेख मिलता है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जानते हैं,
जिसका मतलब होता है किलों का भंजक, यानी किलों को ये तोड़ देता था। आर्यन क्यों जीत पाए, वो विजय इसीलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार थे, वरमान थे और घोड़े वाले रथ थे जो कि यहाँ के लोगों के पास नहीं थे। और आर्यन गोत्र के जो शासक हैं जैसे भरत हो गए, त्रिशु हो गए, ये एक पुरोहित थे वशिष्ठ, उनकी मदद करते थे। और जो भारतवर्ष देश का नाम राजा भरत के ऊपर ही रखा गया है, तो भारत पर भरत गोत्र के राजा ने शासन किया था, उन्हें 10 राजाओं का विरोध भी झेलना पड़ा। ये 10 राजा थे, ये 5 आर्यन थे और 5 गैर आर्यन थे, मतलब ये आदिवासी समूह वगैरह से होंगे। तो 10 राजाओं का एक युद्ध की चर्चा मिलती है 10 राजन युद्ध के नाम से। वो किस नदी पर हुआ था, पुरुषनी नदी पर या रावी नदी पर हुआ था, और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, सुदास सुद ने जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत सिर्फ ऋग्वेद को रखा जाता है और उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को रखा जाता है। और वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जो पहला काल है उसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज या ऋग्वेदिक काल, यानी ये ऋग्वेद की इसमें रचना हुई थी और इसका समय खंड है 1500 से लेकर के 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय काल है वो 1000 से लेकर के 600 BC तक है। जब भी हम किसी कालखंड के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें उसमें उस कालखंड का भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, और हम वही करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी अवयवों पर नजर दौड़ाते हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कहाँ पे लोग आकर के बसे थे, वो है पूर्वी अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान। उसके बाद आधुनिक पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पंजाब, पंजाब में ये वाला क्षेत्र हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो यही है पूर्व वैदिक काल का भौगोलिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और परिवार भी संयुक्त परिवार होता था, तथा परिवार का सबसे अधिक आयु वाला जो पुरुष होता था वो परिवार का प्रधान होता था। परिवार के सभी सदस्य उस घर के जो प्रधान होते थे उसकी आज्ञा मानते थे। उसके बाद परिवार से मिलकर बनता था गांव, और इसका जो प्रधान होता था उसको ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। और ग्रामीण का चुनाव अथवा नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसके बारे में ऋग्वेद में कुछ विशेष चर्चा नहीं है। और बहुत सारे गांव मिलकर के विष का निर्माण करते थे, और इस विष मतलब हो गया समुदाय कह सकते हैं इसके, जिसका जो प्रधान होता था वो विषपति होता था, और बहुत सारे विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। जन के प्रधान अधिकारी को गोप कहते थे, और गोप का तत्कालीन प्रशासनिक अवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था, गोप प्रायः राजा ही हुआ करते थे। शासन व्यवस्था क्या था, तो राजा जो था वो कबीला होता था, यानी ट्राइबल किंग होता था, और उसका सिलेक्शन जो होता था असेंबली यानी समिति द्वारा होता था। समिति में कौन होते थे, जो गांव के या जो जन होते थे, जन के जो वरिष्ठ लोग होते थे वो मिलकर के समिति का गठन करते थे, और वहीं पर निर्णय होता था। और राजा का पद जो था वो वंशानुगत नहीं होता था, और समिति में युद्ध और शांति के बारे में चर्चा होती थी, और लड़ाई का जो मुख्य वजह था वो पशुधन होता था, और जो लड़ाई होती थी वो जो उसमें जो सेनानी होते थे वो आम आदमी होते थे, कोई रेगुलर आर्मी की व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, और कोई कर प्रणाली भी नहीं थी, जनता चाहे जितना चाहे दे दी, वो इच्छा पर निर्भर करता था। और जैसा कि मैंने बताया युद्ध जो होता था वो भूमि के लिए होता था, भूमि में भी क्या फर्टाइल लैंड होना चाहिए, जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए होता था, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर घास उगते थे और घास पशुओं के लिए भोजन होता था। उसके बाद मवेशी के लिए होता था, क्योंकि उसमें पैसे तो चलन में थे नहीं, तो करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, कुछ भी अदला बदली करना है, सामान एक्सचेंज करना है, तो मवेशी को एक इंपॉर्टेंट करेंसी के रूप से जानते थे लोग।
और लोगों के लिए भी होते थे, क्योंकि देखिए खेत बहुत सारा था तो खेत में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, स्लेव चाहिए, दास चाहिए, तो वो लोगों को हथियार लेते थे युद्ध में और फिर उसको स्लेव करके उसको मजदूरी करवाते थे उससे। उसके बाद पानी के लिए भी जिक्र है, कहीं कहीं इरिग्रेशन के लिए भी युद्ध होता था। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति को। तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई जो होता था वो परिवार होता था, यानी फैमिली होता था, और ये जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। पिता के पश्चात आर्य का गृहपति प्रायः सबसे बड़ा पुत्र होता था। पारिवारिक नियम बहुत कठोर थे। परिवार में गृह पत्नी का विशिष्ट महत्व एवं आदर था। गृह पत्नी पर घरेलू कार्यों का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता था। पुत्र न होने पर गोद लेने की प्रथा का भी प्रचलन था। परिवार में कभी कभी सास के रहने का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतिथि का अत्यधिक आदर सत्कार करने की प्रथा थी। अब भोजन लोग क्या करते थे भाई, दूध का विशेष महत्व था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुएं जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीसकर उसमें घी अथवा मक्खन मिलाकर केक की तरह प्रयोग में लाया जाता था। सब्जियों और फलों को भी खाया जाता था। प्रायः भेड़, बकरी और बैल का गोश्त लोग कर भून कर ही खाते थे। गाय को पवित्र मानकर उसका गोश्त नहीं खाया जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है नो मारने वाला, नॉट टू बी किल्ड। गौ हत्या करने पर कठोर दंड दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल में दूध ही प्रमुख पेय था, यद्यपि सोमरस तथा मदिरा का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में यद्यपि मदिरा पान को अधार्मिक बताया गया है, परंतु मदिरा पान का अत्यधिक प्रचलन था। अब आते हैं वेशभूषा और प्रसाधन पे। आर्यों की वेशभूषा एकदम साधारण थी। आर्य सूती ऊनी और रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। मृग छाल का भी प्रयोग किया जाता था। आर्यों के पोशाक में प्रारंभ में प्रमुख दो वस्त्र होते थे। वास होता था जो शरीर के नीचे के भाग पर पहना जाता था, वास एक तरह से धोती के समान कह सकते हैं। दूसरा वस्त्र होता था अधिवास, जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। बाद में अनयन वस्त्र निवी का भी प्रयोग किया जाने लगा। निवी को वास के नीचे पहनते थे। विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष वस्त्र धारण करती थी, जिसे वधूय कहते थे। आभूषण की बात करें तो स्त्री और पुरुष समान रूप से दोनों आभूषण पहनते थे। ऋग्वेद में विभिन्न आभूषणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कर्ण शोभन यानी कान में पहनने वाला, कुरीर सिर पे पहनने वाला, निष्क गले का आभूषण हो गया, रुकमा छाती पर का आभूषण। आभूषण पहनने के अतिरिक्त बालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियां तेल डालकर वेणीन बनाती थी, पुरुष भी बालों को काटते थे और मूछ रखते थे। पुरुष दाढ़ी बनाना भी जानते थे। अब आते हैं मनोरंजन का साधन क्या क्या था। तो जीवन के प्रति आर्यों का स्वस्थ एवं आशावादी दृष्टिकोण था। वे जीवन को अधिक से अधिक सुखद तरीके से व्यतीत करना चाहते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, नृत्य, जुआ, शिकार, रथ दौड़। संगीत के लोग बहुत प्रेमी थे। गायन और वादन दोनों का प्रचलन था। ढोल, मजीरे, बांसुरी, बीन, वीणा इत्यादि बजाते थे। वे स्वप्त स्वरों का प्रयोग भी करते थे, जिसके विषय में कुछ लोगों का विचार है कि इसका आविष्कार सुमेरिया में हुआ था। डॉक्टर कीथ हैं एक इतिहासकार, उनका कहना है ऋग्वेदिक समाज में धार्मिक नाटकों का भी प्रचलन था। अब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी भाई, तो ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाता था। शिष्य का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। बीजी गोखले कहते हैं कि इस प्रणाली का आयोजन इस प्रकार था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाए और उसमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, उसकी बुद्धि प्रखर हो और उसके व्यक्तित्व विकास द्वारा उसके अंदर चरित्र बल की स्थापना हो। ऋग्वेदिक काल में लोगों को लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, यह एक संदेह का विषय है। अधिकांश विद्वान कहते हैं कि उसमें लिखने का चलन नहीं था, लोग रट्टा मार करके याद करते थे चीजों की। जाति व्यवस्था उस समय नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में जो लोग होते थे काम के आधार पर बांटे जाते थे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी और महिलाओं की स्थिति की। तो
इस युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। तत्कालीन समाज में बहन और भाई, पिता एवं पुत्री तथा माँ और पुत्र का परस्पर विवाह निषेध था, नहीं कर सकते हैं। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र कार्य माना जाता था। पुत्र न होने पर स्त्री देवर से संबंध स्थापित कर पुत्र को जन्म दे सकती थी। बहुविवाह की भी प्रथा थी, किंतु यह मुख्यतः राजघरानों तक ही सीमित थी। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की समाज में सम्मानीय स्थिति थी। पत्नी को यज्ञ के समय उपस्थित होना अनिवार्य था। स्त्री गृह स्वामिनी होती थी तथा घर के समस्त कार्य उसी की देखरेख में होते थे। स्त्रियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। इसी कारण अपाला, विश्वधारा, घोषा आदि तो नर ऋषियों के समान मंत्र रचना भी इन्होंने किया था। पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता था, परंतु पुत्र न होने पर पुत्री ही उनकी उत्तराधिकारी होती थी। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों में पर्दे की प्रथा न थी तथा उन्हें घूमने, यज्ञ, त्योहार और उत्सवों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। मुख्य आधार कृषि ही था और प्राचीन प्रवृत्ति थी, क्योंकि कृषि के लिए संस्कृत और ईरानी दोनों में समान धातु कृष है। स्पष्ट है कि दोनों शाखा के पृथक होने के पूर्व आर्य वृत्ति अपना चुके थे। हल तथा बैलों का प्रयोग कृषि में किया जाता था। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था तथा भूमि की सिंचाई भी की जाती थी। ऋग्वेद में सांड द्वारा हल खींचने, हल से बनी नालियों में बीज बोने, दरांती से फसल काटने आदि का भी उल्लेख मिलता है। फसल कौन कौन थे भाई? तो मुख्यतः दो फसलें उगाई जाती थी, जौ और धान। इसके अतिरिक्त मूंग, उड़द आदि को भी उगाया जाता था। जो फसल होती थी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी, यद्यपि कुओं, झीलों, तालाबों और नालियों से भी सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा पशुपालन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजगार था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की आराधना की गई है। पशुओं में गाय का विशिष्ट महत्व था। गाय के अतिरिक्त अन्य पशु थे घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी और हाथी। कुत्ते का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। पशुओं के कानों पर निशान अंकित किया जाता था ताकि उसके स्वामी द्वारा उसकी पहचान हो सके। अब शिकार की यदि बात करें तो लोग इस काल में जीवन निर्वाह और अपने पशुओं की रक्षा के लिए शिकार भी करते थे। शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग ही मुख्यतः किया जाता था। इस काल में अनेक लघु उद्योग भी विकसित हुए थे। कला कौशल एवं दस्तकारी का भी आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान था। बढ़ई का समाज में सम्मान था कि वो युद्ध के लिए रथ बनाते थे। लोहार का भी विशेष महत्व था, क्योंकि वह अस्त्र शस्त्र, हल फलक, घरेलू बर्तनों को बनाता था। सोनार, चर्मकार, कुंभकार इत्यादि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख व्यवसायों में कपड़ा बुनना, सिलाई करना, घास से चटाई बनाना इत्यादि उल्लेखनीय है। तत्कालीन समाज की उल्लेखनीय बात यह है कि उपरोक्त किसी भी व्यवसाय को हीन नहीं समझा जाता था। अब चलते हैं इसके अंतिम सेगमेंट यानी वाणिज्य और व्यापार की तरफ। तो ऋग्वेदिक काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था। व्यापार में एक्सचेंज सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, यद्यपि निस्क का भी उल्लेख मिलता है। निस्क के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार निस्क सोने के एक आभूषण को कहते थे, किंतु अन्य निस्क का अर्थ सिक्के अथवा मुद्रा के रूप में लेते थे। वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय, घोड़े और सुवर्ण को भी क्रय विक्रय के लिए लाया जाता था। अधिक लाभ के लिए अन्य देशों से व्यापार करने का भी ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भुज्जू नामक एक व्यक्ति की कथा मिलती है, जिसको अश्विन ने 100 चप्पुओं वाले जहाज से बचाया था। अब चलते हैं धार्मिक स्थिति पर। रिलीजियस कंडीशन कैसा था? पूजा और धर्म का एक प्रमुख स्थान था। पूजा और यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। पूजा और यज्ञ कुछ न कुछ प्राप्त करने के अभिलाषा से ही किया जाता था। यज्ञ में पुरोहित विभिन्न श्रेणियों के होते थे। होत्री मंत्रोच्चारण, अधर्यु पूजा से संबंधित तथा उद्गाता सामवेद का गान करता था। कुछ यज्ञ खर्चीले होते थे, जिन्हें सिर्फ राजा अथवा सीमांत ही कर सकते थे। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने ऋग्वेदिक धर्म को अभिजात वर्गीय कहा है, जिसमें जन साधारण की विशेष रुचि नहीं थी। देवता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 तरह के देवता थे। स्वर्ग के देवता थे कुछ, इसमें थे धौंस, वरुण, सूर्य,
सावित्री, अदिति, उषा, ये हो गए स्वर्ग के देवता। अब कुछ वायुमंडलीय देवता भी थे, जैसे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, और कुछ स्थल के भी देवता थे, यानी धरती वाले देवता, अग्नि, सोम। सोम तो एक प्रकार का ऐसे पौधा होता था जिसके रस लोग पिया करते थे। उसके बाद पृथ्वी। अब धार्मिक दर्शन इन लोगों का कैसा था, लोग मृत्यु के पश्चात क्या होता था इसकी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग एवं नर्क का उल्लेख मिलता है, रीत एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी जिससे विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। वरुण को ऋतु का संरक्षक बताया गया है। ऋग्वेदिक काल में बहुदेववाद अवश्य था, लेकिन एकत्व का ज्ञान था। ऋग्वेद में कहा गया है सत्य एक ही है, ट्रूथ इज अलोन। कभी इसे हम इंद्र के नाम से जानते हैं, कभी वरुण के नाम से जानते हैं, और कभी अग्नि के नाम से जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल को भी हम लोग भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नजरिए से देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था उसकी ये आप एक मैप देख सकते हैं। इस काल में पंजाब से लेकर के, यहाँ पंजाब से स्टार्ट किया था, पंजाब से लेकर के गंगा यमुना दोआब तक, ये जो गंगा यमुना का जो दोआब है यहाँ तक विस्तार किया था। लोहे की खोज हो चुकी थी, लोगों ने लोहे के औजारों से जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया और पूर्व की तरफ भी बढ़ गए, पश्चिम की तरफ भी बढ़ गए और दक्षिण की ओर भी बढ़ते चले गए और कई शहरों का विकास हुआ। जैसे इसमें इस मैप में आप देख सकते हैं कई सारे विदेह हैं, कौशल है, यहाँ बगल में काशी है, मगध है, अंग है, जैमिनिया है, कुंती है, मत्स्य है, पंचाल है, कुरु है, बहिका है, गंधारी है। तो ये सारे शहरों का विकास होने लग गया था। अब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो अब बड़े बड़े राज्य बनने लग गए थे, राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लग गया था और सम्राट जो था, अब राजा जो था वो राजा सम्राट बन गया था। तो क्योंकि राजा तो छोटा छोटा राज्य का होता था, बड़े बड़े राज्य हो गए तो वो सम्राट का रूप धारण कर लिए। और पहले जैसा कि मैंने बताया था वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन अब ये वंशानुगत हो गया, यानी यदि उनके पिताजी राजा हैं तो अगले राजा उनके बेटे ही होंगे, ये हो गया। और ऐसा होगा तो समिति का क्या काम रहेगा, समिति का कोई काम ही नहीं है, सारा तो काम राजा ही निर्णय लेते थे। और इनकी अस्थाई सेना होने लगी, पहले लोग सप्लाई करते थे और उत्तर वैदिक काल में अस्थाई सेना, देखिए एक बाहुबली का एक दृश्य मैंने इस पोस्टर में लगाया हुआ है। तो ये जो सेना जो दिख रही है आपको, ये एक परमानेंट आर्मी के रूप में दिखाई देने लग गया। जब इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई तो राजा को मदद करने के लिए पुजारी भी चाहिए, सेनापति भी चाहिए, और भी कई सारे पद का सृजन होने लग गया, यानी राजा अब काफी शक्तिशाली हो गया था। सामाजिक स्थिति कैसा था, तो सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की सबसे प्रमुख देन है, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी जिसमें चार भागों में पूरे समाज को बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या काम होता था, पूजा पाठ कराना और शिक्षा देना। क्षत्रिय जो होते थे वो लोगों की रक्षा करते थे और राजा बनते थे, सैनिक बनते थे। वैश्य का काम क्या होता था, खेती करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना। और शूद्र सबसे निचली वाली कड़ी थी, शुद्ध का काम होता था ये जो बाकी तीन वर्ण है उसकी सेवा करना। इसीलिए जो शूद्रों की स्थिति थी वो अत्यंत ही दयनीय थी, छुआछूत का भी आरंभ इसी काल में हो गया था। महिलाओं की स्थिति खराब होने लग गई, जिस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो अपना महत्व खो चुके थे। अब ऐसा होने लग गया कि कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। एक जगह पर तो ये उल्लेख मिलता है कि जो लड़की की उम्र है और लड़का की उम्र है उसमें 3 गुना का डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है यदि 13 साल की लड़की है तो 39 साल का लड़का होना चाहिए शादी के लिए, ऐसा उल्लेख भी हमको मिलता है। पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पेट्रियर्चल सोसाइटी था। मनोरंजन के रूप में लोग घुड़सवारी करते थे, जुआ खेलते थे। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। ये आश्रम व्यवस्था क्या है, तो पूरे जीवन को ऐसा माना जाता था कि 100 साल का जीवन है, तो शुरू के जो 25 वर्ष होते थे वो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती थी। ब्रह्मचर्य में काम क्या होता था, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना ही ब्रह्मचर्य का काम था, उसमें शादी विवाह नहीं कर सकते। उसके बाद जब 25 साल के हो जाइएगा
तब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, शादी कीजिए, पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए। उसके बाद जब आप 50 साल के हो जाइएगा तब संन्यास ग्रहण कीजिए। संन्यास ग्रहण कर करके समाज में शिक्षा का प्रसार कीजिए। समाज में जो जिंदगी 50 साल आपने बिताई है उसमें आपने क्या सीखा है, समाज को योगदान दीजिए। और जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आप जंगल की तरफ चले जाइए। आपका आप जो समय बीतेगा वो अध्यात्म में बीतेगा। भगवान की आप पूजा पाठ कीजिए और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। विवाह मुख्यतः 8 प्रकार के होते थे, ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, पैसाच और राक्षस। ये 4 जो शुरू के विवाह हैं, ये तो अच्छा विवाह माना जाता था, सबसे बढ़िया तो ब्रह्म माना जाता था, लेकिन ये जो गंधर्व, असुर, पैसाच और राक्षस, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें जबरदस्ती वाली बात होती थी। और साथ साथ ही विवाह में 2 और टर्म है, अनुलोम और प्रतिलोम। यदि कोई अपर कास्ट का, यदि ऊंची जाति का कोई लड़का है, यदि छोटी जाति की लड़की से शादी करे तो वो अनुलोम विवाह माना जाता था, ये अलाउड था समाज में। जबकि प्रतिलोम होता था, ऊंचे वर्ण की लड़की है, छोटे वर्ण के लड़के से शादी कर रही है, तो उसको प्रतिलोम माना जाता था और ये समाज को स्वीकार्य नहीं था। आर्थिक स्थिति कैसी थी? कृषि अभी भी प्रमुख धंधा बना हुआ था, लोहे के हल का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, फसल में कुछ और फसलें जुड़ गई थी, धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों के लोग खेती करते थे। समुद्री व्यापार भी होता था और नावों और समुद्री जहाजों का प्रयोग किया जाता था। सोने की मुद्राओं के लिए विशेष सोने के वजनों का प्रयोग होता था, सिक्कों का प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे सतमाना, निस्का, कौशाम्बी, काशी और विदेह। ये बहुत ही अच्छा व्यापार का केंद्र माना जाता था। और चांदी का जो इस्तेमाल होता था वो होता था आभूषण के लिए। अब धार्मिक स्थिति क्या थी भाई? तो जो पूर्व वैदिक काल में जो देवता थे वो अपना महत्व खो चुके थे। पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि जो इंद्र थे, अग्नि थे, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसके जगह पे प्रजापति और विधाता की पूजा होने लग गई। अच्छा, यहाँ पे अग्नि का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था पूर्व वैदिक काल में। क्यों इंपॉर्टेंस था? क्योंकि लोग जंगल को साफ करके पूर्व और दक्षिण और पश्चिमी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो जंगल को साफ करना है तो अग्नि देवता का तो साथ चाहिए ना। लोग आग लगा देते थे, जंगल का जंगल साफ हो जाता था, फिर उसको काट करके वो लोग खेत बना लेते थे, तो अग्नि का महत्व था। चूंकि अब चारों तरफ लोग फैल गए थे तो अब अग्नि का महत्व खत्म हो गया। कुछ भगवान जैसे रुद्र, पशुओं के देवता विष्णु जिसको मनुष्य का पालक कहा जाता था, और रक्षक, ये सब प्रसिद्ध हो गए थे। अब बलिदान जो है सो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था, मानी प्रार्थना का महत्व तो घट गया और बलिदान का प्रथा ज्यादा हो गया, यानी दोनों प्रजा और स्वदेशी इसको अपनाते थे, जबकि लोग परिवार के बीच में ही बलिदान करते थे। जन बलिदान में राजा और उसकी प्रजा शामिल होते थे। यज्ञ या हवन करना मुख्य धार्मिक कार्य होता था, जो हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। रोजाना के यज्ञ साधारण होते थे और परिवारों के बीच में ही होते थे, लेकिन रोज जो यज्ञ होते थे, इसके अलावा त्योहारों पर भी कुछ खास यज्ञ होते थे और कभी कभार जानवरों का भी बलिदान दिया जाता था। अब देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, विद्यार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण करना सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में कम से कम 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। अभी भी तो सिस्टम देखिए, पहला से 12वां तक लगता है कि हमने वहीं से सिस्टम लिया हुआ है। और गुरु शिष्य की परंपरा थी, ये देखिए इस तरह से आश्रम होता था और वहां पर एक गुरु होते थे और यहीं पर आश्रम में ही विद्यार्थी रुकते थे और यहीं पर पढ़ाई लिखाई होती थी। इसकी यज्ञ भी होता था, पशु भी पालते थे। जो आश्रम होते थे ये वनों में होते थे। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। इसमें देखिए एक इनाम गांव की एक मॉडल बनाया हुआ है, कहीं एक संग्रहालय से लिया गया है। ये इनाम गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर जो लोग रहते थे 1600 से लेकर के 700 BC के बीच में रहते थे।
और ये वैदिक आर्यों के समकालीन माने जा सकते हैं। इस पुरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा ताम्र धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। देखिए यहाँ पर कुछ रिप्लिका बनाई गई है उसकी, मिट्टी की झोपड़ियों को, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गाढ़े से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां होती थी। यहाँ के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर और धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि इनके पालतू पशु होते थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें लोग खाते थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू है मृतकों को दफन करने का तरीका, जिसकी यहाँ पर एक आप तस्वीर देख सकते हैं। एक आदमी को तो मकान के आंगन में मिट्टी बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है मेगालिथ का। मेगालिथ क्या होता था? ये बड़े बड़े पत्थर होते थे और ये एक तरह से जहाँ पे लोगों को दफनाते थे वो उसकी पहचान करने के लिए बनाते थे, और इसकी शुरुआत हुई थी 3000 साल पहले, और ये नॉर्थ ईस्ट और दक्कन और कश्मीर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। और जो दफनाते थे वहाँ पर एक छिद्र भी आपको देखिए, यहाँ पर एक पॉट होल्स दिखाई पड़ते हैं, ये भी दिखाई पड़ते थे। और यहाँ पे जो बर्तनों के साथ दफनाते थे, जो बर्तन के जो रंग होते थे वो काले और लाल रंग के होते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर इसको कहा जाता है। क्या सामाजिक भेदभाव भी था, सोशल डिफरेंस भी था? एक स्केल्टन मिला है, ये देखिए ये स्केल्टन मिला है, ये जो इसमें 33 गोल्ड बीट्स है, देखिए सोने के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, है ना। दो पत्थरों की मालाएं मिली है, चार तांबे की चूड़ियां मिली है, शंख मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि समाज विभाजित था, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग राजा थे और कुछ लोग उसके फॉलोवर थे, और कई जगह पर फैमिली के साथ में भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो फैमिली के लोग, सभी लोग एक साथ तो नहीं डेथ किए हैं, तो उसके लिए ये जो छिद्र पॉट होल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें क्या होता था, जैसे परिवार का कोई सदस्य मरा इसमें दफना दिया गया, अब परिवार का यदि दूसरा सदस्य यदि डेथ करेगा तो इसी छिद्र के थ्रू से उधर से प्रवेश करा के यहीं पर उसको दफनाया जाएगा। तो ये थी वैदिक एज की बातें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं महाजनपद और मगध के उत्कर्ष की। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।